देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत फतेहपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 के दोबारे नव निर्वाचित वार्ड सदस्य श्री अख्तर हुसैन के साथ उनके साथ खास बातचीत। अपना परिचय बताइए। 10 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ। मेरा नाम अख्तर हुसैन, पिता का नाम अब्दुल लतीफ। पिछले पंचवर्षीय में भी आप वार्ड सदस्य के पद पर थे? मैं पिछले नहीं, उससे पहले 11 में। 11 में, 11 में भी आप वार्ड सदस्य के पद पर थे जी। जी। और इस बार भी आप वार्ड सदस्य के पद पर भी आगे आपकी क्या सोच है? आगे मेरा सोच है कि हमको जब पब्लिक वोट दिए हैं, निर्वाचित किए हैं, प्रतिनिधि के रूप में लाए हैं। आपके वार्ड में अभी के समय में कितना आवास योजना पास हुआ है? ना, अभी आवास योजना नहीं पास हुआ है। कितने लोगों को आवास योजना की राशि कितने लोगों को मिली है आपके वार्ड में? अभी जो है, इससे पहले तो हमको उतना मालूम नहीं था। अच्छा। हम जब 9 महीना हो गया इलेक्शन होने का, अभी तक हमारा वार्ड में एक भी आवास प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए आपके द्वारा क्या काम किया? इसके द्वारा हमने का काम किया था मनरेगा से। हाँ, यही सब ने छोटा मोटा एक काम किए हैं। अगले सोचते हैं कि काम करेंगे, योजना सब बना के रखेंगे, यही सब। अभी जो सामने जो राशन कार्ड का काम चल रहा था लोक सेवा आयोग अधिकार अधिनियम से, जी, जिस व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं मिला है या जिसको नाम हटाना है या नाम जोड़ना है, उसके लिए आपके आप अपने वार्ड के कितने लोगों का सहयोग किया, कितना लोगों का नाम जुड़वाए? मेरा वार्ड का नाम जुड़वाए कम से कम 15 आदमी को। और हटाए जैसे कि परिवार के ससुर के नाम से बुजुर्ग का नाम था, वो सबको हम हटा दिए। जो वो लोग का नया रेशन कार्ड बना, बिल्कुल नया रेशन कार्ड बने। वो जो परिवार हो गया 4 आदमी 5 आदमी उसका परिवार हो गया, 3 लड़का 4 लड़का बीवी हस्बैंड, वो जो है तो वो सबको हम अलग करने के लिए वो सब हम व्यवस्था कर दिए हैं। अभी जो है रेशन कार्ड के लिए जितना आवेदन है, आपके वार्ड में आपके द्वारा कितने लोगों को पेंशन की व्यवस्था की गई है? हमारे मुख्यमंत्री को से कितना पेंशन, विधवा पेंशन कितना हुआ है, विकलांग पेंशन कितना हुआ है आपके वार्ड में? सुनिए, विकलांग पेंशन तो पहले था जो है ना, 11 में जब थे हम तो उस वार्ड में पेंशन नहीं।